हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम इविन हैप्पी जॉर्ज एंड मुझे आपके बहुत सारे कमेंट्स मिले जहाँ पे आप मेंशन करते हो कि मैम प्लीज आप ये जो हमें मैथ्स पढ़ा रहे हो ये हिंदी में पढ़ाओ, इन सेंस कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को ही चाहिए कि हम हिंदी में पढ़ाएं। सो अभी के लिए तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं सारा जितना मैंने इंग्लिश में बनाया सब ही हिंदी में करूं। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, सबसे पहले तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि मैथ्स की कोई लैंग्वेज नहीं होती। मैथ्स का अगर कोई भी क्वेश्चन है, आपको वो क्वेश्चन समझ आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन सेम ही होगा। अगर आपको सॉल्यूशन मेरी वीडियो से समझ आ रहा है तो आप अपना चाहे हिंदी मीडियम में क्यों ना हो आप वो सॉल्व कर सकते हो। बट फॉर नाउ व्हाट आई हैव डन इज, जैसे कि आपने हमारा पैटर्न देखा होगा, हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करे हैं प्लस जो चैप्टर्स हैं उनके इंट्रोडक्शन करे हैं। सो अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो इंट्रोडक्शंस हैं ये मैं हिंदी में बना रही हूँ ताकि उससे आप फेमिलियर हो जाओगे कि जो वर्ड्स मैं इंग्लिश में यूज कर रही हूँ वो आपकी बुक में किस नाम से है या उसे हिंदी में क्या कहते हैं, राइट? सो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है चैप्टर वन का जो कि मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में कर रही हूँ। प्लस इस वीडियो के एंड में, इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं या जो जो मेन वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में मैंने ऑफकोर्स क्वेश्चंस में यूज किया होगा उनका मैं आपको हिंदी में जो लिटरल आपकी बुक में मीनिंग है वो एक आपको चार्ट दे दूंगी, वो चाहो तो आप कॉपी कर सकते हो ताकि अगर आप मेरी वीडियो से ही पढ़ना चाहते हो तो आप उस चार्ट की हेल्प से जो वर्ड्स हैं आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे अगर मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वेश्चन में इंटीजर बोल रही हूँ तो इंटीजर होता है पूर्णांक आपकी बुक के अकॉर्डिंग, तो उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। हो सकता है इन फ्यूचर अगर हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा या अगर हमें लगेगा कि हम कर सकते हैं ये तो हम जरूर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हिंदी मीडियम में भी करेंगे। बट फॉर नाउ लेट्स डू द इंट्रोडक्शन। सो ये अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वन का इंट्रोडक्शन जिसका नेम है पूर्णांक। अब हम बात करते हैं पूर्णांक होते क्या है। पूर्णांक उन सभी संख्याओं को बोलते हैं जितनी आपको पता होगी। सबसे पहले तो अगर मैं स्टार्ट करूं जीरो से लेके जितनी भी संख्याएं हैं, कोई भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन डिजिट नंबर होंगे, कोई भी संख्या है ये आपकी पूर्णांक में आती है। अब ये वाले जो आपके पास संख्याएं हैं इन संख्याओं को हम बोलते हैं धनात्मक संख्याएं, ठीक है? ये है धनात्मक संख्या। इसी के विपरीत आपके पास कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे कि अगर मैं यहां से 2 लेती हूँ और इस 2 के आगे माइनस का साइन बन लगा देती हूँ तो ये बन गया -2। अब ये वाली जो संख्याएं होती हैं जिनके साथ माइनस का साइन होता है इन संख्याओं को हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं। अब ऋणात्मक संख्याएं में भी जैसे यहाँ पे हमने बात करी धनात्मक संख्या 0 से लेके कोई भी संख्या हो सकती है, इसी तरह से जब हम ऋणात्मक संख्याओं की बात करते हैं तो वो भी कोई भी संख्या हो सकती है, मतलब कि कोई भी संख्या जिसके आगे माइनस लगाओ, ठीक है? ये भी आपके पास पूर्णांक में आती है। सो पूर्णांक में हमारे पास धनात्मक संख्याएं आती है और ऋणात्मक संख्याएं आती है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि पूर्णांकों में कौन सी संख्याएं नहीं आती। सो आपके पास है, अगर आपके पास कोई दशमलव वाली संख्या है, जैसे कि अगर है 4.6, सो ये संख्या आपकी पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक में नहीं आती। इसी तरह से अगर आपके पास अंश में कोई संख्या है जैसे कि 4/3 तो ये भी पूर्णांक नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई परिमेय संख्या है जैसे कि √2 तो ये भी आपके पास पूर्णांकों में नहीं आए। तो पूर्णांकों में जो संख्याएं आती हैं वो है, एक तो 0 आता है, सारी धनात्मक संख्याएं और सारी ऋणात्मक संख्याएं आपकी पूर्णांकों में आती हैं। ओके, समझ आ गया आपको पूर्णांक होते क्या है और उसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होता है? संख्या रेखा मैं आपको यहाँ पे एक बना के दिखाती हूँ। इस तरह से आपके पास एक सीधी लाइन होती है जिसके बिल्कुल बीच में आपके पास नंबर होता है 0, मतलब कि बिल्कुल बीच में आपके पास 0 संख्याएं होती है और इस संख्या रेखा के अंदर इसकी बाएं तरफ पे
आपके पास जितने भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो सारी जीरो की बाई तरफ पे आती है, जैसे कि -1, -2, -3, -4, और इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा, -5, 6, 7, इस तरह से ये चलता रहेगा। और इसकी मतलब यहाँ पे जो आपके पास शून्य है, जीरो की जो आपके पास दाई तरफ है, यहाँ पे आपके पास सारी धनात्मक संख्याएं आएंगी, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह आगे जहां तक जाना है। ठीक है, अब देखते हैं इसके आपके पास प्रश्न किस तरह के आते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास एक प्रश्न आया कि आपको -5 अंकित करना है संख्या रेखा के ऊपर, तो आप कैसे करोगे? एक संख्या रेखा बनाई हमने, अब हमें पता है कि इसके बिल्कुल बीच में आपके पास जीरो होता है, लेकिन अगर आपको -5 अंकित करना है तो आपको जितनी भी आपके पास धनात्मक संख्या है वो तो नहीं चाहिए, तो आप अपने जीरो को यहां बना लो और एक या दो तक सिर्फ धनात्मक संख्या लिख दो, और इसकी बाई तरफ पे हम लिखना शुरू करेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6। इस तरह से हमने यहाँ पे इनको लिख लिया। अब आपको -5 देखना है, -5 कहाँ पे आया? यहाँ पे, तो संख्या रेखा में -5 आप इस तरह से अंकित करोगे। ठीक है, सो ये होता है संख्या रेखा। इसमें नंबर्स को, संख्याओं को कैसे अंकित करना है, इस तरह के आपके पास प्रश्न आ सकते हैं। ओके, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो अब हमारा अगला टॉपिक है जमा और घटा करना। अब संख्याओं को जमा करना, घटा करना हम सबको आता है, लेकिन जब हम पूर्णांकों की बात करते हैं तो उनको जब हम जमा करते हैं, घटा करते हैं, तो एक फर्क आता है। फर्क किसका आता है? नंबर के आगे जो आपकी संख्या है उसके आगे जो साइन लगता है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला है प्लस माइनस माइनस, मतलब कि अगर आपके पास दो संख्याएं हैं, एक के आगे प्लस का साइन है, एक के आगे माइनस का साइन है, या आप बोल सकते हो एक धनात्मक संख्या है आपके पास और एक ऋणात्मक संख्या है, तो उसमें बीच में चाहे कुछ भी लिखा हो, जमा करना है, घटा करना है, आपको ये याद रखना है कि अगर एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो आप हमेशा उसे घटा करोगे। ठीक है, इसी तरह से माइनस प्लस माइनस, फिर से वही बात है, अगर पहले आपके पास जो संख्या गिवन है वो ऋणात्मक संख्या है और दूसरी वाली आपके पास धनात्मक संख्या है, बीच में चाहे कोई भी साइन हो आप उनको घटा करोगे। इसी तरह से दो संख्याएं आपके पास, दोनों धनात्मक संख्या है, तो उनको आप जमा करोगे, और दो संख्याएं दोनों आपके पास ऋणात्मक संख्याएं हैं तो उनको आप जमा करोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस 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 एंड माइनस माइनस प्लस, मतलब कि अगर आपके पास, अब इसे सिंपल वे में अगर हम समझे, अगर आपके पास दो संख्याएं हैं, एक आपके पास ऋणात्मक संख्या है, एक धनात्मक संख्या है, तो आप हमेशा उन्हें घटा करोगे, और अगर आपके पास दोनों संख्या धनात्मक है या दोनों संख्या ऋणात्मक है तो उनको हमेशा जमा करोगे। कुछ हम यहाँ पे उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि अगर है प्लस 6 माइनस 4। ठीक है, अब ये जो आपके पास पहली संख्या है, अब से देखो ध्यान रखना है, जब भी आप जमा कर रहे हो या घटा कर रहे हो तो बीच का नहीं देखना कि जमा लिखा है या घटा देखना है, आपको हर जो संख्या है उसके पहले कौन सा साइन लगा है उस पर ध्यान देना है। जैसे कि पहली संख्या है +6, मतलब कि ये हमारे पास धनात्मक संख्या है, और दूसरी संख्या हमारे पास है -4, मतलब कि ऋणात्मक संख्या, तो प्लस माइनस माइनस, मतलब इन दोनों संख्या को घटा करना है, तो क्या होगा, 6 में से 4 गया, क्या बचा हमारे पास, 2। ठीक है, सो ये आ गया 2। ठीक है, अब यहां पे जो आपके पास 2 आया है इसके आगे जमा का साइन आएगा या घटा का, मतलब प्लस आएगा या माइनस आएगा, या फिर
ये जो टू है ये धनात्मक होगा ये ऋणात्मक, ये कैसे पता चलेगा? जो दो संख्याओं को आपने जमा या घटा किया है उसमें से जो बड़ी संख्या है, यहाँ पे 6 और 4 में से 6 बड़ी है, 6 के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है? प्लस का, तो इसके आगे भी प्लस का साइन आ जाएगा, मतलब ये धनात्मक संख्या है। इसी तरह से फिर से सेम एग्जांपल लेते हैं, पर अब लिखते हैं -6 और +4। अब देखो, अब आपके पास एक ऋणात्मक संख्या है -6, एक धनात्मक संख्या है +4। माइनस प्लस, मतलब इसको घटा करना है। फिर से 6 में से 4 गए, हमारे पास आ गया 2। अब 2 के आगे कौन सा चिन्ह लगेगा आपके पास? बड़े वाले के साथ माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। तो आपने फर्क देखा, जब 6 के साथ प्लस का साइन था आंसर +2 था, जब 6 के साथ माइनस का साइन हो गया तो आंसर -2 हो गया। इसी तरह से अगर आपके पास है +6 + 4, सो यहाँ पे आपके पास पहली संख्या है +6, दूसरी संख्या है +4, दोनों प्लस के हैं, तो प्लस 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 हो जाएगा, मतलब इन्हें जमा करना है। सो 6 + 4 हो जाएगा 10, और साइन कौन सा आएगा 10 के साथ? बड़ा वाला 6 है, 6 के साथ प्लस का साइन है, तो ये +10 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से -6 - 4, अब 6 के साथ भी माइनस है, 4 के साथ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब इन संख्याओं को जमा करना है, तो 6 + 4 फिर से हो जाएगा 10। अब इसके साथ यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा? 6 बड़ा नंबर है, उसके साथ माइनस है, तो ये हो गया -10। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप जमा या घटा कर रहे हो संख्याओं को, तो आपको उनसे पहले वाला साइन देखना पड़ेगा, और ये 4 रूल्स याद रखने पड़ेंगे। ये गलतियां हर बार क्वेश्चन में, छोटी छोटी जो आपकी केयरलेस मिस्टेक्स होती है, वो इन्हीं गलतियों की वजह से होती है, कि या तो हम चिन्ह लगाना भूल जाते हैं, देखते नहीं है कि बड़े वाले के साथ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। सो ये हमारी बहुत सब बार गलतियां होती हैं, तो आप इसको ध्यान रखोगे हमेशा और ऐसी गलती नहीं करोगे। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है गुणा करना। अब गुणा करना भी हम सबको आता है, लेकिन जब आपके पास पूर्णांक होंगे तो उनको हम गुणा कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो एक सिंपल सा लेते हैं, अगर आपके पास है 2 × 4, मतलब 2 को गुणा करना है 4 से, तो आप क्या करोगे? 2 × 4 = 8। ये है सिंपल गुणा करना जो हम सबको आता है। अब अगर इसमें आपके पास ऋणात्मक संख्याएं आ जाए, जैसे कि -2 × -4, तो आप क्या करोगे? आपके पास यहाँ पे भी जो है ऋणात्मक संख्या है, इधर भी ऋणात्मक संख्या है। सबसे पहले इसको हम गुणा करेंगे जैसे नॉर्मली करते हैं, 2 को 4 से गुणा करोगे तो आएगा 8। अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा, कौन सा चिन्ह लगेगा? जब हम जमा या घटा करते हैं तो हम देखते हैं दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसका हम चिन्ह लगाते हैं, लेकिन जब आप गुणा करते हो तो आप ऐसे नहीं देखते कि जो बड़ी संख्या है उसका हम चिन्ह लगाते हैं, उसमें आप इन रूल्स को फॉलो करते हो। जैसे कि एक आपके पास माइनस है, दूसरा भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब इनको गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है, जब जमा और घटा करते हैं तो बड़ी संख्या वाला चिन्ह आता है, लेकिन जब आप गुणा करते हो तो इन 4 रूल्स के हिसाब से आप चिन्ह लगाते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, -4 को हमें गुणा करना है 6 से। ठीक है, तो क्या होगा? 4 × 6 कर लो पहले, 6 × 4 = 24। अब इसके साथ चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस, और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस। अगर आपके पास नंबर के साथ कोई चिन्ह नहीं है तो उसको हम एक कौन सी मानेंगे? धनात्मक संख्या मानेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस। अब माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, मतलब कि यहाँ पे आपके पास माइनस का चिन्ह आ जाएगा। सो -4 को अगर आप गुणा करोगे 6 से, तो आपके पास -24 आएगा।
ठीक है, ये ध्यान रखना है गुणा करते हुए चिन्ह किस तरह से लगानी है, जहां जैसे ये रूल्स होंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। सो अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम है गुण। तो पूर्णांकों की कुछ गुण होते हैं जो हमें याद रखने हैं, जिसकी हेल्प से, जिसकी वजह से आपके जो प्रश्न है वो उसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किन्हीं भी दो पूर्णांकों को जमा कर रहे हो या घटा कर रहे हो, तो जो आपके पास उत्तर आएगा वो हमेशा एक पूर्णांक होगा। जैसे कि अगर आप कर रहे हो 6 जमा 4, ये एक पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक है, तो जो उत्तर आएगा आपके पास वो भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपके पास धनात्मक संख्याएं भी हो सकती है और ऋणात्मक संख्याएं भी हो सकती है, पर उत्तर में हमेशा आपके पास चाहे ऋणात्मक संख्या है या चाहे आपके पास धनात्मक संख्या है, वो हमेशा एक पूर्णांक ही होगा। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले उसपे, जो कि है कर्म विनिमय गुण। अब इसके हिसाब से अगर आपके पास कोई भी दो संख्याएं हैं जिसको आपको जमा करना है, तो आप उसे किसी भी क्रम में अगर जमा कर रहे हो तो उत्तर हमेशा सेम रहेगा। जैसे कि अगर हम इसे नॉर्मली लिखे तो ए प्लस बी हमेशा इक्वल होगा बी प्लस ए की। अब इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास है 4 प्लस 2, तो वो हमेशा इक्वल होगा 2 प्लस 4 की। मतलब कि 4 प्लस 2 को आप किसी भी क्रम में जमा करो, चाहे 4 में 2 प्लस करो या 2 में 4 प्लस करो, उत्तर हमेशा सेम रहेगा। जैसे अब ट्राई करके देख लेते हैं, 4 प्लस 2 6 हो गया, 2 प्लस 4 भी 6 ही आएगा। मतलब आप किसी भी क्रम में जमा कर सकते हो, उत्तर आपके पास यही रहेगा। लेकिन ये जो अभी संख्याएं थी, ये हमारे पास धनात्मक संख्या थी। अगर हम इसी को, इसी गुण की बात करें अगर ऋणात्मक संख्याओं में, तो देखते हैं क्या वो सेम रहता है। तो हम दो ऋणात्मक संख्याएं ले लेते हैं, -4 और -6 ले लेते हैं। ये हमने बहुत बार ले ली, तो हम एक काम करते हैं -5 और -3 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि अगर हम किसी भी क्रम में जमा या घटा करते हैं तो क्या उत्तर एक ही मिलता है हमें। तो -5 प्लस कर रहे हैं हम -3। ठीक है, पहले इस क्रम में करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया -5 प्लस -3 हो जाएगा, -+ होता है। तो 5 में 3 जमा करेंगे तो क्या आएगा, 8। और बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 5, तो इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो ये आ गया -8। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हम उल्टे क्रम में करते हैं, मतलब -3 पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जमा -5। ठीक है, तो हमारे पास आएगा, ये हो गया -3 प्लस -5 -5 प्लस 5 6 7 8, तो ये आ गया 8। और किसका हमारे पास चिन्ह आएगा, माइनस, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस है। तो हमने देखा यहाँ पे भी -8 आ रहा है, यहाँ पे -8 आ रहा है, मतलब ये भी जो है कर्म विनिमय गुण का पालन कर रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं, अब अगर मैं एक धनात्मक संख्या लूं और एक ऋणात्मक संख्या लूं, जैसे कि एक संख्या मैंने ले ली -4 और एक संख्या मैंने ले ली 6, फिर से 4 और 6 ही आ गए, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया, एक हमारे पास ऋणात्मक संख्या है और एक हमारे पास कौन सी संख्या है, धनात्मक संख्या। तो अब इसको करते हैं -4 प्लस 6, अब ये हो जाएगा 6 में से 4 हमें घटा करना है, तो हमारे पास आएगा 2, और बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है, तो ये प्लस रहेगा। अब इसी तरह से इसको दूसरे क्रम में करें, तो 6 प्लस -4 इस तरह से आएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस -4, 6 में से 4 गया, फिर से हमारे पास आ गया 2। मतलब कि ये जो आपके पास गुण है, ये हर जगह हमारा ठीक आ रहा है, चाहे हम ऋणात्मक संख्या ले रहे हैं चाहे हम धनात्मक संख्या ले रहे हैं। लेकिन ये तब ठीक आ रहा है जब हम बीच में जमा कर रहे हैं, अगर हम इसे घटा करें तो क्या आएगा देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम घटा करें तो क्या ये ऐसे रहता है। अब दो नाम संख्या ले लेते हैं, 4 ले लिया हमने और 2 ले लिया, ये दो संख्याएं हैं। 4 में से अगर आप 2 माइनस करो तो 4 माइनस 2 क्या आएगा, 2।
अगर आपको इसको उल्टे क्रम में करो, मतलब टू में से अगर आप फोर माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, टू में से फोर माइनस करोगे ये आ गया टू, लेकिन बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो ये आएगा माइनस टू। तो एक का उत्तर टू आया है, एक का माइनस टू, मतलब कि ये जो कर्म विनय में आपके पास गुण है ये आपका जब आप उसे जमा कर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसे घटा कर रहे हो तो इस गुण का पालन नहीं होगा, मतलब ये सिर्फ जमा में चलेगा। और अगर आप इन नंबर को गुणा कर रहे हो, जैसे कि अगर हम उन्हीं नंबर को ले, चार और दो आपके पास नंबर है, तो चार को अगर आप दो से गुणा कर रहे हो तो आपके पास आएगा आठ। सिमिलरली अगर आप दो को चार से गुणा कर रहे हो तो भी आपके पास आठ आएगा, मतलब कि गुणा में भी ये जो हमारी कर्म विनय में गुण है ये पालन होता है, सिर्फ घटा में ये गुण नहीं चलता। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले गुण पे। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, अपने अगले गुण पे, जो है साचार्य गुण। अब साचार्य गुण के हिसाब से अगर आपके पास तीन संख्याएं हैं ए बी सी, और इन तीन संख्याओं को आप जमा कर रहे हो, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इस तरह से आप जमा कर रहे हो। अब देखो, जब भी आप तीन संख्याओं को जमा करोगे तो पहले आप किसी दो संख्या को जमा करोगे, जो आपके पास आएगा उसमें तीसरी संख्या को जमा कर दोगे। तो अगर आप लेट्स सपोज यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये तीन संख्या थी, मैंने पहली संख्या को छोड़ दिया और दूसरी और तीसरी संख्या को पहले एक साथ जमा कर लिया, जो उत्तर आया उसमें पहली संख्या को जमा कर दिया, आप इस तरह जमा करो, या फिर से यहाँ पे तीन संख्याएं लिख लेते हैं। अब मैंने क्या किया कि पहले इन दोनों संख्याओं को जमा कर दिया, जो उत्तर आया उसमें तीसरी संख्या को जमा कर दिया, तो यहाँ पे इस गुण के हिसाब से इन दोनों में आपका उत्तर सेम ही आएगा, चाहे या पहली संख्या छोड़ के बाद की दो को जमा करके इसमें प्लस कर दो, या फिर पहले दो को जमा करो और जो उत्तर आया उसमें तीसरी को जमा कर दो, आपके पास आंसर हमेशा सेम रहेगा। तो इसके लिए हम नंबर से लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं दो तीन चार, तो अब इन तीन संख्याओं को आपको जमा करना है। तो मैंने पहली संख्या छोड़ दी, पहले मैं तीन और चार को एक साथ जमा कर रही हूँ, तो तीन और चार को अगर आप जमा करोगे तो आएगा चार पांच छह सात, तो ये आ गया सात, और इसमें अब दो जमा कर देंगे तो हमारे पास आ गया उत्तर नौ। अब इसी को अगर हम दो तीन चार में पहले दो और तीन को जमा कर रहे हैं फिर चार को करेंगे, तो दो तीन चार पांच जमा चार, अब पांच जमा चार नौ होता है। तो आपने देखा, चाहे हमने पहले इन दोनों को किया फिर उसको किया, या पहले इन दोनों को फिर इसको किया, उत्तर हमारे पास सेम आएगा। इसी तरह से अगर आप ये, अब सारी हमने धनात्मक संख्या ली थी, अगर आप ऋणात्मक संख्या भी लोगे तब भी उत्तर सेम आएगा, और यही होता है जब आप गुणा करोगे, मतलब कि अगर हम अब फिर से तीन नंबर ले लेते हैं, हम गुणा करने में देख रहे हैं, अगर मैं तीन नंबर ले रही हूँ, चार ले लेते हैं, दो ले लेते हैं और सात ले लेते हैं, ठीक है, तो चार अब हम गुणा कर रहे हैं दो और सात, इसी को ही पहले मैं चार और दो को एक साथ गुणा कर लूंगी फिर उसको सात में गुणा करूंगी, ठीक है, तो ये हो गया चार और गुणा किया, सेवन टू जा फोर्टीन, फोर्टीन इंटू फोर इज, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर वन जा फोर फाइव, तो ये आ गया हमारे पास फिफ्टी सिक्स, ठीक है। अब यहां बढ़ते हैं, फोर इंटू टू एट होता है, इसमें सात को गुना करेंगे तो एट इंटू सेवन फिफ्टी सिक्स होता है, तो आपने देखा दोनों में आपके पास उत्तर सेम आएगा, ठीक है। तो मतलब कि जो हमारी ये साचार्य गुण है ये जमा में भी चलता है और गुणा में भी गुण निभाता है, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब हमारे पास जो अगला गुण है वो है वितरण गुण। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास तीन संख्याएं हैं जिसमें पहली संख्या को आपको गुणा करना है दो संख्याओं के जोड़ से, तो आप कैसे कर सकते हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहली संख्या को आप यहाँ पे जो दो संख्याओं के जोड़ से आपको करना है तो हम इसको गुणा कर देंगे यहाँ वाली पहली संख्या से, इसको हमने गुणा किया यहाँ की पहली संख्या से,
फिर इसको हम गुणा करेंगे यहाँ की दूसरी संख्या से और बीच में आएगा प्लस, तो ये हो जाएगा a इंटू सी। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से करके देखते हैं। अगर हम तीन नंबर्स ले लेते हैं 4, 2 और 5, तो सबसे पहले a हो गया 4, b हो गया 2 और c हो गया 5। ठीक है, तो ये होगा 4 को गुणा करना है, 5 जमा 2 हमारे पास आ जाएगा 7, सो 4 को 7 से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 28। ठीक है, अब बात करते हैं इस तरह से अगर हम करें तो हमें देखना है क्या हमारा उत्तर वही रहेगा। सो एक ही जगह लिख दिया 4, 4 को 2 से किया, फिर 4 को 5 से किया और इन दोनों को जमा कर दिया। सो 4 2 8 प्लस 5 4 20, 20 और 8 को जमा कर दो आपके पास आ जाएगा 28। तो आपने देखा हमारे पास दोनों जगह उत्तर वही आएगा। और जैसे ये अभी हमने जो संख्याएं ली है ये धनात्मक संख्याएं हैं, अगर आप ऋणात्मक संख्याएं भी लोगे तब भी उत्तर इसी तरह से आपके पास दोनों का सेम आएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है शून्य। अब हम देखेंगे कि शून्य जो हमारे पास एक संख्या है, इसको अगर आप पूर्णांकों में जमा करते हो, घटा करते हो, गुणा करते हो या भाग करते हो तो हमारे उत्तर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जमा की। अगर आपके पास कोई भी पूर्णांक है उसको आप जमा कर रहे हो शून्य में, जैसे कि अगर आपके पास है 2, तो अगर इसमें आप शून्य जमा करोगे तो आपके पास उत्तर वही संख्या रहेगी। इसी तरह से अगर ऋणात्मक संख्या ले ले, अगर -2 कर दूं मैं, तो इसमें भी अगर आप 0 को जमा करोगे तो आपके पास उत्तर वही रहेगा जो आपने लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आप जमा करने की जगह घटा कर रहे हो, तो अब नंबर ले लेते हैं, ये हमने ले लिया 6 में से अगर आप 0 घटाओ तो आपके पास क्या आएगा, वही नंबर। इसी तरह से अगर हम एक ऋणात्मक नंबर ले ले, इसको -6 कर देते हैं, इसमें से 0 घटाए तो हमारे पास फिर से -6 ही आएगा जो हमने पूर्णांक लिया था। लेकिन अगर आप इसको उल्टा कर दो, जैसे कि हमें पता है जमा करते हुए हम किसी भी क्रम में जमा कर सकते हैं, लेकिन जब हम घटा करते हैं, अब अगर मैं इसी को ही लिख दूं 0 में से 6 घटा करना है तो आपके पास उत्तर 6 नहीं आएगा, आपके पास उत्तर आएगा -6। और इसी तरह से अगर हमें ऋणात्मक नंबर ले रहे हैं, ऋणात्मक संख्या ले रहे हैं, तो 0 में से अगर मैं -6 को माइनस करूं तो ये -माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 0 प्लस 6, मतलब कि उत्तर में मेरे पास 6 आएगा, जो कि जिसके साथ माइनस का साइन नहीं है। मतलब मैंने यहाँ पे ऋणात्मक संख्या ली थी लेकिन जो उत्तर आया वो मेरे पास एक धनात्मक संख्या है। ऐसे यहाँ पे मैंने सिर्फ 6 लिया था और उत्तर में मेरे पास -6 आया। ठीक है, तो 0 का ये ध्यान रखना कि किस क्रम में उसे आप घटा रहे हो। अब बात करते हैं अगर आप गुणा कर रहे हो, तो किसी भी संख्या में, किसी भी पूर्णांक में अगर आप 0 को गुणा करोगे तो उत्तर में आपको 0 ही मिलेगा। जैसे कि 4 को अगर आप 0 से गुणा कर रहे हो तो आपके पास उत्तर 0 ही आएगा। इसी तरह से अगर कोई ऋणात्मक संख्या जैसे -4 है, इसको अगर आप 0 से गुणा करते हो तो भी आपके पास 0 ही आएगा। चाहे कोई भी आप संख्या ले लो, 0 से गुणा करने पे उत्तर 0 ही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आप भाग कर रहे हो, तो इसमें आपके पास देखो दो चीजें होंगी, जैसे अभी हमने घटा में देखा इसी तरह से भाग में होगा। अगर आप 6 को भाग कर रहे हो 0 से, अगर 6 ऊपर है 0 नीचे है तो इसका उत्तर कुछ भी नहीं होता, इसका उत्तर हम नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आप 0 को भाग कर रहे हो 6 से तो उत्तर हमेशा 0 आएगा, जैसे गुणा में होता है उसी तरह से 0 को किसी भी नंबर से अगर आप भाग कर रहे हो तो उत्तर आपके पास हमेशा 0 ही आएगा। अब इसके साथ हमने इस पूरे चैप्टर में जो भी टॉपिक थे या जो भी आपके पास जो प्रश्न आते हैं उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक के कंसेप्ट थे वो हमने इस इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं एक चार्ट के ऊपर जिसमें मैंने सारे वो
ना वो जितने भी आपके पास वर्ड्स आएंगे जो मैंने जब एक्सरसाइज की क्वेश्चन कराए हैं तो इंग्लिश में यूज किए होंगे, वो मैं आपको अभी चार्ट दे रही हूँ, जो कि आप चाहो तो उसे नोट डाउन कर सकते हो, ताकि जब आप एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखो तो आपको उससे हेल्प मिल सके। सो अब हम आते हैं अपनी चार्ट पे। यहाँ पे आपके पास वो सारे वर्ड्स हैं जो मैं क्वेश्चन आंसर्स जब कराऊंगी, मैं एक्सरसाइजेस की क्वेश्चंस कराऊंगी तो मैं उनको इंग्लिश में ही बोला हुआ है, तो आपको हेल्प हो जाएगी कि उसको आपकी बुक में क्या लिखा है या हिंदी मीडियम में उसको करेक्ट वर्ड क्या बोलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स वेरी सिंपल, चैप्टर का नेम ही है, इंटीजर्स होते हैं पूर्णांक। उसके बाद है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चंस में आता है एडिटिव इनवर्स बताओ, तो वो हिंदी मीडियम के बच्चों में आएगा योज्य प्रतिलोम। ओके, नेक्स्ट है नंबर लाइन, जो कि होती है संख्या रेखा। नेगेटिव नंबर्स को हम बोलते हैं ऋणात्मक नंबर्स, सॉरी ऋणात्मक संख्याएं, मतलब कि वो संख्याएं जिनके आगे माइनस साइन लगता है। उसके बाद है पॉजिटिव नंबर्स, जो कि होते हैं धनात्मक संख्याएं। देन एडिशन को बहुत जगह, जैसे हम यूजली लैंग्वेज में जमा बोलते हैं, बट बुक में आपको योग लिखा हुआ दिखेगा, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन का है विवेकलन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। जो हमने गुण अभी डिस्कस करे हैं वो इंग्लिश में है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हिंदी में आपके पास है कर्म विनिमय गुण। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसको हम बोलते हैं सचार्य गुण। एंड देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विच इज वितरण गुण। उसके बाद हमारे पास आता है एडिटिव आइडेंटिटी, जो कि होता है योज्य तत्सम। ठीक है, इसी तरह से अगर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है तो वो होता है गुणात्मक तत्समक। ओके, सो ये हमारे पास चार्ट है, आप चाहो तो इनको नोट डाउन कर सकते हो एंड जब एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस करो तो आप इसको देख सकते हो। ओके, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। मैं अगले चैप्टर के साथ फिर से आऊंगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।